बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो किसी पर भी खरी नहीं उतर सकी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी। देश में फैली महामारी के समय बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने सरकार की पोल खोल दी। हर जगह सरकार फेल होती नजर आई, लेकिन इस सरकार ने एक और बड़ा वादा किया था और सरकार उस पर भी खरी नहीं उतरी, और वो वादा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का। अभी हुए मंत्रिमंडल विस्तार को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये सरकार अपने दूसरे वादों की तरह इस वादे को भी भूल गई है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मंत्र के साथ हम देश के आम नागरिक की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने कैबिनेट का विस्तार किया है और अब मोदी कैबिनेट में कुल 78 मंत्री हो चुके हैं, जो कि सितंबर 2017 में हुए विस्तार के समय 76 थे। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की कई कमियों पर निशाना साधा था। नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में तब बार बार आरोप लगाते थे कि मनमोहन सिंह सरकार अपने बड़े आकार के चलते कार्यकुशल नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार का आकार छोटा होगा, इसके लिए उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा भी दिया था। और अब सरकार की कैबिनेट में 78 मंत्री हो चुके हैं, तो ऐसे में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नरेंद्र मोदी के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। तो अब सवाल है कि आखिर मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होता क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों सरकार 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान इस नारे का इस्तेमाल कर रही थी। तो आपको बता दें कि इस मॉडल के अनुसार प्रभावी शासन के लिए मंत्रियों की संख्या से ज्यादा उनकी कुशलता मायने रखती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में सीएम थे तब तो इस मॉडल का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वो इस मॉडल को पूरी तरह भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि उनकी सरकार में यूपीए सरकार से कम मंत्री होंगे, पर यहाँ तो अब उससे भी ज्यादा मंत्री हो गए, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पीएम मोदी अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार के मंत्रियों की शुरुआती संख्या 46 से बढ़कर 76 हुई और अब 78 है। राजनीति के जानकार इसकी तीन मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह यह है कि मोदी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को सरकार से दूर रखा। उन्होंने कम अनुभवी नेताओं को सरकार में जगह दी। यही नहीं, उन्होंने ज्यादातर नेताओं को उनके पेशेवर जीवन से अलग मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा। इसके चलते किसी किसी मंत्रालय में 3 या 4 मंत्री तक बिठाने पड़े हैं। दूसरी वजह कांग्रेस और दूसरे दलों का सफाया कर पूरे देश में फैलने की भाजपा की महत्वाकांक्षा है। इसके चलते पार्टी अधिक से अधिक राज्यों को केंद्र में जगह दे रही है और पिछले 7 साल के कार्यकाल में इसके कई उदाहरण भी सामने आए हैं। तीसरी वजह यह है कि देश में बीजेपी के लिए बढ़ती नाराजगी को देखते हुए नरेंद्र मोदी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, इसलिए एनडीए में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को शामिल करके उन्हें सरकार का हिस्सा बनाया जा रहा है। मोदी कैबिनेट में बढ़ी मंत्रियों की संख्या ने सरकार पर झूठे वादों वाली सरकार का टैग तो पहले ही लगा दिया है, लेकिन अब कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिसने फिर से सरकार को सवालों की कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों को जगह दी गई है जिनका आपराधिक इतिहास है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कैबिनेट में इस बार किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी के कैबिनेट में बुधवार को पहला सबसे बड़ा विस्तार किया गया है, जिसमें पुराने मंत्रियों में से कुछ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कुछ का प्रमोशन भी किया गया। पीएम मोदी की टीम में नए चेहरों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार के साथ मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य, अनुराग ठाकुर को खेल और सूचना प्रसारण, तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया।
नए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। वहीं स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल की जिम्मेदारी ले ली गई है। उनके पास अब सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि उनसे रेलवे ले लिया गया है। अश्विनी वैष्णव को मिनिस्टर ऑफ आईटी कम्युनिकेशन और रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी कैबिनेट में पहले से शामिल धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही उन्हें संस्कृति मंत्रालय भी सौंपा गया है। मोदी कैबिनेट में प्रमोशन पाने वाले अनुराग ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें युवा खेल मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी बनाए गए हैं, जबकि किरेन रिजिजू का कद बढ़ाते हुए उन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री बनाया गया है। वहीं बिहार से दिग्गज बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्री बनाया गया, साथ ही उन्हें पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया है। वहीं हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही असम में हिमंत बिस्वा सरमा के लिए सीएम पद को छोड़ने वाले सर्वानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय दिया गया है। ऐसे में उत्तर पूर्व का जिम्मा भी सोनोवाल संभालेंगे। अब बात करते हैं मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल हुए मंत्रियों की। तो आपको बता दें कि इस बार मोदी कैबिनेट में 42% मंत्री दागी छवि के हैं। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाले समूह एडीआर की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। अब क्या है एडीआर की रिपोर्ट, ये जानने से पहले आपको बता दें कि आखिर क्या होता है एडीआर। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स एक भारतीय गैर पक्षपाती गैर सरकारी संगठन है, जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में बहुत काम करता है। नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ एडीआर भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और चुनाव में धन और बाहुबल के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इनमें से 4 पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले भी हैं। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों ने बुधवार को शपथ ली। इसके बाद मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या 78 हो गई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किए गए विश्लेषण में 42% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है। करीब 24 यानी 31% मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। गृह राज्य मंत्री बने कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र के निथिक प्रमाणिक ने अपने खिलाफ हत्या से जुड़े एक मामले की घोषणा की है। वह 35 वर्ष के मंत्री परिषद के सबसे युवा चेहरे भी हैं। 4 मंत्रियों ने हत्या के प्रयास से जुड़े मामलों की घोषणा की है। ये मंत्री हैं जॉन वारला, प्रमाणिक, पंकज चौधरी और वी मुरलीधरन। एडीआर रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कैबिनेट में शामिल हुए लगभग 90% मंत्री करोड़पति हैं। अब ऐसे लोगों को कैबिनेट में शामिल कर सरकार क्या देश को संभालेगी? दागी और करोड़पति क्या वाकई देश के हालात पर ध्यान देंगे? क्योंकि पुराने मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करने के सवाल पर यही कहा गया था कि पुराने मंत्री अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह नहीं उठा सके, इसलिए प्रधानमंत्री ने उनसे पद वापस लेकर उनकी जगह नए लोगों को शामिल किया है। एडीआर की रिपोर्ट में जिन मंत्रियों का विश्लेषण किया गया उनमें से 70 यानी 90% करोड़पति हैं। प्रति मंत्री औसत संपत्ति 16.24 करोड़ रुपए है। प्रति मंत्री औसत संपत्ति 16 करोड़ 24 लाख रुपए है। 4 मंत्रियों ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का उल्लेख किया है। ये मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, नारायण तातू राणे और राजीव चंद्रशेखर। 8 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कम घोषित की है। इनमें प्रतिमा मोहम्मिक, जॉन वारला, कैलाश चौधरी,
विश्वेश्वर टूडू, वी मुरलीधरन, रामेश्वर तेली, शांतनु ठाकुर एवं नित्थिक प्रामाणिक शामिल हैं। इनमें प्रतिमा भौमिक के पास सबसे कम 6 लाख की संपत्ति है। अपने हर फैसले पर विफल हो रही मोदी सरकार कैबिनेट में मंत्रियों की बढ़ी संख्या को लेकर पहले ही विपक्ष के निशाने पर है और उनकी जमकर आलोचना हो रही है। अब ऐसे में एडीआर की इस रिपोर्ट ने सरकार पर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार अब तानाशाही के साथ गुंडागर्दी भी करेगी? इसलिए कैबिनेट में दागी मंत्रियों को जगह दी गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।